नहीं सो कल्चर तो मेरा आई हैव ओनली बीन एक्सपोज्ड टू वन कल्चर जिदा प्यार ना समझाया मेनू सो मेरा ज्यादा ओपिनियन नहीं है बट मेनू लगता है प्यार ना समझाना चाहिए बहुत मजा आया पहला ओबियसली छोटा जहा काम किया अरदास कठे सो बहुत मजा आया पापा ने बहुत पैंपर रखा ते सारे ने पूरे इस कास्ट में बहुत जिदा अच्छी एनवायरमेंट सी सो बहुत मजा आया जीपी सर आपसे सवाल था सर जिस तरीके से प्रोसेस जनरेशन गैप भी दिख रहा है चीजों को लेकर तो क्या इस पे भी ये मूवी केंद्रित करती है किस तरीके से जो यहाँ के कल्चर और जो बाहर के कल्चर है उसमें किस तरीके के डिफरेंसेस दिखाए गए हैं और जैसे भी आपने अपनी बात में कहा कि पेरेंट्स बहुत कुछ सीखेंगे तो पेरेंट्स और बच्चे क्या क्या इस मूवी में सीखने वाले हैं कुछ एक्चुअली क्या है जैसे मैंने बताया कि देखो कोई भी पेरेंट्स ऐसा तो है नहीं कि अगर आप लोग यहाँ पे इतने बैठे हो तो मुझे आई एम डैम श्योर कोई माने या ना माने बहुत से लोगों ने बचपन में बहुत मार खाई होगी अपने माँ बाप से अब अगर आप सोचो तो उन्होंने जो आपको खाई है ना तो एक्चुअली तो आपके पेरेंट्स जब आपको मारते थे वो आपका तो भला ही सोचते थे ना वो चाहते थे कि यार ये बच्चा गलत ना हो जाए ये बच्चा ये ना करे ये बच्चा वो ना करे मतलब पेरेंट्स वही सोचते हैं तो इस फिल्म में मैंने यही दिखाने की कोशिश की है क्योंकि नॉर्मली क्या है कि इस फिल्म में जैसे एक मेरा छोटा सा एंगल है कि मेरे जो फादर है वो मुझे एक बार मारते हैं तो मारने के बाद मैं उनके स्कूटर की लाइट तोड़ देता हूँ तो उसके चक्कर में वो मुझे मारते हैं तो वो इसको बता रहे हैं कहते जब मैंने तेरे बाप को मारा ना कहते उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मैंने बैठ के सोचा कि क्या स्कूटर की लाइट इम्पॉर्टेंट थी या मेरा बच्चा जिसको मैंने मारा तो वो कहता कि शायद मैं उसको प्यार से समझाता तो शायद वो तब भी समझ जाता लेकिन मैंने इंस्टेंट रिएक्ट किया उसको मार दिया कहता वो ये कहता है कि फिर आपने सॉरी बोली कहता नहीं कहता मैंने सॉरी नहीं बोली कहता फिर मैं ना उसके लिए एक साइकिल लेके आया तो जिससे वो खुश हो गया सो अक्सर तौर पे हमारे बचपन में ऐसे होता था कई बार हमें बहुत पीड़ करते थे बाद में कुछ ना कोई चीज़ मिल जाती थी कुछ ऐसे होता था ये नॉर्मल बातें हैं घर की बट घर की छोटी छोटी बातों में मैं हमेशा सोचता हूँ कि धीरे 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 जब बाप बेटे बड़े होते हैं अक्सर तौर पर हम देखते हैं कि जब बेटा 18-20 साल का हो जाता है तो वो अपने बाप को हक कम कर देता है जब फिर गलती बाप बेटे की बहुत सी चीज़ें ऐसी नॉर्मल जिंदगी में जो होती है वो सब एलिमेंट्स हमने इसमें दिखाए हैं बट इट्स अ जैसे मैंने बताया कि सोशल कॉमेडी है हमने हंसाया भी बहुत है इस फिल्म में इट्स हंसाने वाली फिल्म है आपको खूब हंसाएगी बट साथ में ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हमने शुरू से लेकर एंड तक टच किए हैं कि कहानी क्या है जिसमें इमोशन भी है आपको अच्छी लगेगी एक्चुअली क्या है कि पंजाबी में जो फिल्में नॉर्मली बनती हैं ज़्यादा फिल्में हम कॉमेडी बनाते हैं तो कॉमेडी का बिजनेस ज़्यादा है ऐसे नहीं है ऐसे सोशल भी बनाते हैं एक्शन भी बनाते हैं बट वो कम बनती थी मुझे था कि यार एक आध कोई कॉमेडी जैसे लोग ज़्यादा लाइक करते हैं कि कॉमेडी में जैसे कोई सोशल कॉमेडी मिल जाए जैसे थ्री इडियट है एग्जाम्पल में तो अब थ्री इडियट में हम बहुत हंसे और उसमें बहुत से अच्छे मैसेज छिपे हुए थे उस फिल्म में है ना तो मुझे था कि यार काश कोई वैसा सिनेमा कोई वैसा अगर सब्जेक्ट मिल जाए तो लकीली ये एक सब्जेक्ट जो हमारे राइटर हैं नरेश कटूरिया जी उन्होंने एक सब्जेक्ट क्रैक किया था तो डायरेक्ट हमारे जो छाबड़ा साहब हैं उनको सुनाया और वो मेरे पास लेके आए एक्चुअली वो फिल्म लेके ही मेरे पास ऐसे आए थे कि आपके लिए और शिंदा के लिए हमने एक फिल्म लिखी है तो ये एक फिल्म है